अगर है आपका केमिस्ट्री मास्टर्स में, तो फ्रेंड्स हम अपने टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 1.5 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के बारे में हमने पहले कहा था कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें आप कार्बन कार्बन के बीच में डिस्कनेक्शन करेंगे और मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से आपके पास टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है 1.3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम 1.5 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि 1.5 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड क्या है। 1.5 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप 1.5 के रिलेशन में होंगे। कहने का मतलब है कि पहला फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा आप उसे नंबर वन मानेंगे, और उससे जो फिफ्थ कार्बन होगा उसमें आपका सेकंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है FG1, जो कि आपका फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, या फिर इस कार्बन जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है इसको हम फर्स्ट कार्बन मान रहे हैं, और इससे जो फिफ्थ कार्बन है इसको हम, इसके साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन को हम फिफ्थ कार्बन मान रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि 1.5 के रिलेशन में। आप इसको उल्टा भी देख सकते हैं, यानी कि फिफ्थ कार्बन को फर्स्ट मान सकते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए जहाँ पे फर्स्ट लिखा उसको फिफ्थ कार्बन भी मान सकते हैं। तो 1.5 का रिलेशन यहाँ पर रहेगा। और दूसरी ध्यान देने लायक बात यह है कि जब भी आपके पास 1.5 का रिलेशन प्रेजेंट होता है और कार्बन कार्बन का आपने डिस्कनेक्शन करना है, तो आप हमेशा थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे। तो जब थर्ड और फोर्थ के कार्बन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो आप जानते हैं कि उससे आपको चार स्पीसीज यानी कि सिंथोन्स मिलेंगे, और सिंथोन्स को आप फर्दर सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक लॉजिक्स लगा के। तो आइए आप 1.5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड का कुछ स्पेसिफिक डिस्कनेक्शन देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि कैसे उन डिस्कनेक्टेड प्रोडक्ट से आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बनाएंगे जो कि आपके फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन में यूज होंगे और वापस आपका टारगेट मॉलिक्यूल दे देंगे। तो यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, इसमें अगर आप देखिए कि आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं। पहला दिखाया हुआ नंबर वन पे आपके पास कीटोन है, एक साइक्लिक कीटोन है, और जो थर्ड पोजीशन से जो सीरीज जुड़ी हुई है आप देखिए कि फिफ्थ पोजीशन पे आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब भी आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो जनरली हम ये कोशिश करते हैं कि रिंग से डिस्कनेक्शन के चांसेस कम से कम हो, लेकिन जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप रिंग से जुड़े हुए कार्बन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इस कार्बन को नंबर वन माने या फिर इस कार्बन को नंबर वन माने। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो थर्ड और फोर्थ के बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे, जबकि आप अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, तो यानी कि आपको रिंग का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और रिंग का बॉन्ड तोड़ने से हमें बचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन रिंग के बाहर करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए क्या होगा, आप कीटोन को नंबर वन माने और जो आपका एसिड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो नंबर फाइव होगा। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान देने की लायक बात है कि हम रिंग के साथ बॉन्ड जनरली डिस्कनेक्ट ना करें, इसकी या फिर इसकी प्रेफरेंस ना दें, ये कह रहे हैं। आप ब्रेक नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि रिंग का बॉन्ड ना टूटे, वो उसकी प्रेफरेंस लास्ट होनी चाहिए। रिंग से जुड़ा हुआ बॉन्ड भी ना टूटे, उसकी प्रेफरेंस थोड़ी कम होनी चाहिए। आपको प्रेफरेंस उन बॉन्ड को देनी चाहिए जो कि रिंग से ना जुड़े हों। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन ब्रेक कर सकते हैं, या फिर रिंग में जुड़ा हुआ जो आपका रिंग में जुड़ी हुई जो कार्बन चेन है आप उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो। तो आगे देखते हैं कि आप 1.5 जब डिस्कनेक्शन करेंगे और यही आपकी नंबरिंग रहेगी, तो थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे। तो जब बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे आपको अगला चीज़ जो ध्यान रखना है वो है सिंथोन्स बनने में चार्ज जो आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कार्बनल कार्बन पे जो चार्ज कार्बन होगा उस पर प्लस आएगा, उसके नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव, अगले पे फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। आप अपोजिट जाते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि अल्टरनेट चार्ज होना चाहिए, यानी कि फोर्थ कार्बन पे आपके पास नेगेटिव आएगा और जो थर्ड कार्बन है उस पर आपके पास प्लस आएगा, कुछ इस तरह से। और नेगेटिव के साथ आप सिंपली हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, आपको फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, और या फिर कुछ ऐसी स्पीसीज भी जोड़ सकते हैं जो यहाँ से फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन करने को इजी बना दे, जैसे कि COOET, यानी कि कोई ऐसा स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। और प्लस के साथ आप सिंपली, वैसे तो
सीएल या बीआर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक केस बनता है कि आपके पास यहाँ पे कीटोन है जो, और इसके जहाँ पे अल्फा पोजीशन पे अगर आप देखें तो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अगर आप हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव और प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है। तो जब भी आप देखें कि अगर कीटोन के या आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास जब कार्बनिक स्पीसीज है और उसके बीटा पोजीशन पे अगर प्लस चार्ज आता है, तो अल्फा से आप हाइड्रोजन हटा के उस पर नेगेटिव चार्ज ला के आप उसे डबल बॉन्ड में चेंज कर सकते हैं, यानी कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड डबल स्पीसीज को मैं चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दो स्पीसीज मिलेंगी। तो यहाँ पे आप नेगेटिव के बाद हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, और इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज भी जोड़ सकते हैं जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन में आपको मदद कर सकता है, ईजी रिएक्शन में। और आपने यहाँ पे देखा कि कैसे आपने कार्बोनिल स्ट्रक्चर को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल में चेंज कर दिया, जो कि आपको बहुत ईजी रिएक्शन देता है। तो आप देखते हैं कि फॉरवर्ड स्टेप में या फॉरवर्ड एक्शन में रिएक्शन कैसे होगी। तो फॉरवर्ड एक्शन के रिएक्शन के लिए आपको जो लास्ट में सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले हैं उनमें से किसी को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम एसिड कंटेनिंग स्पीसीज को ले रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज के बीच में, यानी कि इस हाइड्रोजन को आप काफ़ी इजीली निकाल सकते हो किसी भी बेस की प्रेजेंस में। तो उसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे दिखाया हुआ, एक हाइड्रोजन दिखाया, एक और हाइड्रोजन होगा, तो बेस इस हाइड्रोजन को निकालेगा, यानी कि इस हाइड्रोजन को इजीली यहाँ से हटा सकता है, और इन टर्न क्या होगा, आपका जो इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कुछ इस तरह से। और ये नेगेटिव चार्ज अब आपके जो अगला आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट था, यानी कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, उस पर अटैक करेगा। अगर आप देखें ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन की तरफ, तो कार्बन प्लस चार्ज, तो इसी सीरीज में ये जो आपका बॉन्ड है वो आपका अल्फा कार्बन की तरफ ब्रेक हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो ड्राइविंग फोर्स है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, यानी कि जो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा वो ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ को चल जाएगा, ना कि नीचे की तरफ को। तो कुछ इस तरह से आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डबल बॉन्ड आपके अल्फा पोजिशन की तरफ टूटेगा, क्योंकि आपका जो ड्राइविंग स्पीसीज है वो आपका कार्बोनिल का ऑक्सीजन है। तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे अगर आप देखें डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से नेगेटिव ऊपर अल्फा पे आएगा, बीटा पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस के साथ नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। और जो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसके साथ आप जो ये बेस है उस बेस का जो काउंटर आयन है आपका, यानी कि एच प्लस एसिड यहाँ पे मान लेते हैं, वो आके ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका ये न्यूट्रल स्पीसीज बन जाएगा। अब अगर आप देखें आपका टारगेट मॉलिक्यूल में COOET नहीं था, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे, तो आपको COO2 को हटाना है, तो बेस की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे तो COOT यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकल जाएगा, यानी कि इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आप एसिड की प्रेजेंस में उस एच प्लस को यहाँ जोड़ सकते हैं और आपका टारगेट मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे 1.5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड में थर्ड और फोर्थ का बॉन्ड ब्रेक करके आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं, और फर्दर उस सिंथेटिक इक्विवेलेंट से अपना टारगेट मॉलिक्यूल वापस पा सकते हैं। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो फिर से आपके पास मॉलिक्यूल में 1, 2, 3, 4, 5 पांच स्पीसीज हैं, तो बॉन्ड आप अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से माना है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो जब 1.5 डिस्कनेक्शन होगा डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड में, थर्ड और फोर्थ के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, तो अब कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे प्लस, अगले स्पीसीज में नेगेटिव, थर्ड पोजीशन पे फिर से प्लस। अगर आप इस डायरेक्शन से जाएं प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हर जगह से आपका फोर्थ पे नेगेटिव और थर्ड पे प्लस ही आ रहा है। तो आपके पास ये दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको सिंथॉन्स मिलेंगे, उन सिंथॉन्स को आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करना है। तो सिंपली सी बात है कि नेगेटिव से आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं या फिर कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज जोड़ सकते हैं। यहाँ सिंपली हमने इस पे हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, लास्ट एग्जांपल में हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा हुआ था, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब अगली चीज़ कि आपके पास जो बीटा पोजीशन पे प्लस चार्ज है कीटोन के, आपने उसको डबल बॉन्ड यानी कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड स्पीसीज में चेंज करना है, तो वो आज आप कर सकते हैं, क्योंकि जो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन होता है बहुत एसिडिक होता है किसी भी कार्बोनिल में, तो आप इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो ये दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले, आप चाहे तो इजीली इनसे रिएक्शन करा सकते हैं जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था। आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड स्पीसीज है, आप इसको फर्दर और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो ये देखिए, तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप FGI करें इस डबल बॉन्ड में,
यानी कि डबल बॉन्ड को अगर आप चेंज कर देते हैं अल्कोहल में, इजली आप कर सकते हैं अगर इसका आप हाइड्रेशन करें, यानी कि आप इसमें वाटर को ऐड करें, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड अगर देखें तो फिर से ऑक्सीजन जो है ड्राइविंग स्पीसीज है, तो बॉन्ड अंदर की तरफ टूटेगा, टर्मिनल कार्बन पे प्लस, इंटरनल कार्बन यानी कि आपके अल्फा पोजिशन पे नेगेटिव। तो वाटर का जो OH होगा, क्योंकि तो आप हाइड्रेशन कर रहे हैं, वाटर का OH प्लस पे, यानी कि आपके टर्मिनल कार्बन पे जुड़ेगा OH, और H आपका अल्फा कार्बन पे जुड़ेगा। तो आपने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड स्पीसीज को यहाँ पे चेंज कर दिया है, किसमें, अल्कोहल में। यानी कि अगर आप देखें अब यहाँ पे इन फिर से आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपका अल्कोहल है और दूसरा आपका कीटोन है। इसका मतलब है कि आपके पास फिर से 1.3 डाइफंक्शनलाइज टाइप ऑफ स्पीसीज मिल गया है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। और आपको अगर याद हो तो 1.3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड में आप हमेशा सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। तो जैसे आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे, एरो के ऊपर आप लिखेंगे 1.3 DiO, O शो कर रहा है यहाँ पे कि आपका ऑक्सीजन स्पीसीज प्रेजेंट है, यानी कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन कंटेनिंग है। तो सेकंड और थर्ड का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये सिलेक्ट प्लस होगा, और जो टू नंबर पे कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा कुछ इस तरह से। अब किसी भी स्पीसीज में अगर OH है और उसके जिस OH से कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस पर अगर प्लस चार्ज होता है, तो आप सीधे हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगाइए, नेगेटिव और प्लस इसे चेंज कर देंगे कार्बनिल कंपाउंड में, यानी कि आपको यहाँ पे CH2O यानी कि आपको फॉर्मल्डिहाइड मिला है, और दूसरी स्पीसीज नेगेटिव के साथ इजिली आप हाइड्रोजन जोड़ें और इसे आप कीटोन में चेंज कर सकते हैं। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट को आप फर्दर और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कितने टाइप के डिस्कनेक्शन होते हैं और किसी स्पेसिफिक जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि सिंपल मॉलिक्यूल उन्हें चेंज कीजिए ताकि वो इजीली लैब में अवेलेबल हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आप फर्दर डिस्कनेक्ट भी करें, अगर आपको लैब में इजीली ये अवेलेबल हो रहे हैं तो आप वहाँ से भी फॉरवर्ड रिएक्शन कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेप जो मैंने यहाँ पे दिखाया वो इसलिए दिखाया है कि ये बताने के लिए कि एक ही मॉलिक्यूल में हम नंबर ऑफ डिस्कनेक्शन शो कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि कैसे सिंथेसिस करेंगे अपने फाइनल सिंथेटिक इक्विवेलेंट से आपके मेन मॉलिक्यूल यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले हम इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट से जो FGI से पहले जो दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट थे उनको प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि पहले तो हम इसे प्रोड्यूस करेंगे जो कि इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट से आपका रिएक्ट करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले जो आपका फॉर्मल्डिहाइड था वो H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो H प्लस यानी कि एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट देगा करेगा और OH ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो एक आपके ये इंटरमीडिएट स्पीसीज यहाँ पे बनेगी। दूसरा जो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट था जो कि आपका कीटोन था, वो कीटोन आप उसको कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड आप ब्रेक करें तो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन अगर आप यहाँ से हटा देते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करें ऑक्सीजन की तरफ इससे प्लस चार्ज आएगा कार्बन कार्बन पे, यहाँ पे अगर पहले से नेगेटिव है तो प्लस माइनस डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये H आप यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ शो कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी कि आपके दो सेम स्ट्रक्चर हैं। इसको जो आपका ऊपर टेंशन टाइप ऑफ स्टेट बनी थी वो अब आके यहाँ पे रिएक्ट करेगी। अब ऑक्सीजन को अगर देखें वो अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन अगर वापस करता है और जिस बॉन्ड को वापस आप यहाँ पे ब्रेक करते हैं, तो जो टर्मिनल कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बनल कार्बन पे यहाँ पे अटैक करेगा, और इन टर्न जो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जैसे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसी सीक्वेंस में डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन सेंटर पे गए और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ ऑक्सीजन की तरफ, उस पर न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जो H होगा, उसके बाद आप इस H को हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एसिडिक प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है तो H आप हटा देंगे, और आपको आपको अगर देखा जाए फर्स्ट पोजिशन पे आपको डबल बॉन्ड O मिल गया और थर्ड पोजिशन पे OH मिल गया है। ठीक है, यही मॉलिक्यूल आपने FGI से करके बनाया था, और जो ये स्टेप है ये आपका एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन है। अब आप इसको
कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, हमने जस्ट को रिवर्स कर दिया है, जो आपका डबल बॉन्ड ओ था आपने उसको शिफ्ट करके, यानी मॉलिक्यूल जो आपका राइट साइड था वो लेफ्ट साइड में कर दिया, हमने लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड कर दिया, जो मॉलिक्यूल आपने एफ जी आई में बनाया था। अब इस मॉलिक्यूल का हम कंडेंसेशन करेंगे, जैसे आप कंडेंसेशन करेंगे इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, वाटर को निकाल रहे हैं। ओ एच बीटा पोजीशन से निकलेगा, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल सकता है क्योंकि एसिडिक है, जैसे ओ एच और एच निकलेगा तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपका पहला सिंथेटिक इक्विवेलेंट था, फर्स्ट जो आपका बना हुआ था। उस सिंथेटिक इक्विवेलेंट को आपने रिएक्ट कराना था कीटोन के साथ, इस कीटोन के साथ। तो कीटोन में अगर देखें, यहाँ तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन इजिली आप बेस के प्रेजेंस में निकाल सकते हैं। तो इसी को हमने कुछ इस तरह से दिखाया है कि अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, बेस के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन आप निकालेंगे, जैसे हाइड्रोजन जाएगा एज अ प्लस जाएगा तो इस अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ये नेगेटिव चार्ज अब आपके जो यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो आपने बनाया था या फिर जो इस ए स्पीसीज है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन को जैसे हमने कहा था कि ये ड्राइविंग फोर्स है, तो ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, तो ये डबल बॉन्ड भी उसी सीक्वेंस से सेम डायरेक्शन में ब्रेक होगा कुछ इस तरह से, और ये नेगेटिव चार्ज जाके अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो बॉन्ड यहाँ को ब्रेक हुआ, अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव और बीटा पोजीशन पे प्लस चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज टर्मिनल पोजीशन पे जाके अटैक करेगा कुछ इस तरह से, और इन टर्न आपका डबल बॉन्ड आपके अल्फा पोजीशन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही अल्फा पोजीशन की तरफ ब्रेक होगा तो नेगेटिव चार्ज टर्मिनल पोजीशन पे प्लस चार्ज, प्लस और माइनस यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड शो करेंगे। इस नेगेटिव के साथ आप एसिड ऐड कीजिए तो ये एच प्लस जाके, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका काउंटर पार्ट है इस बेस का वो एच आके ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद आप ये स्पीशीज न्यूट्रल स्पीशीज में चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए आपका जो आपका मेन टारगेट मॉलिक्यूल था 1,2,3,4,5 डाइफंक्शनल कंपाउंड आपको वापस मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप 1,5 डाइफंक्शनल कंपाउंड का डिसकनेक्शन कर सकते हैं, और उसमें आपको 3,4 पोजीशन का जो कार्बन है यानी थर्ड और पोजीशन फोर्थ पोजीशन कार्बन को डिसकनेक्ट करना है। तो आज के वीडियो के बारे में आपके जो भी आइडियाज़ हों, जो भी आपके कमेंट्स हों, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि हम अपने चैनल को और बेहतर कर सकें और आपके लिए हम ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।